हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित इलेक्ट्रिकल टेक। आज मैं आप लोगों को इंफ्रारेड कुकटॉप की अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू और इसे यूज़ करके दिखाऊंगा। इंफ्रारेड कुकटॉप इंडक्शन जैसा ही होता है, लेकिन इंडक्शन से थोड़ा सा अलग होता है। इस पर सारे बर्तन वर्क करते हैं। इस पर एलुमिनियम का, लोहे का, स्टील का और जो इंडक्शन के कंपेटिबल बर्तन है वो भी सारे यूज़ करते हैं। मैंने बाल्ट्रा कंपनी का इंफ्रारेड कुकटॉप ले रखा है। ये 2000 वाट का है। इस पर 12 मंथ की वारंटी है। इसमें 7 प्रीसेट्स मेनू है। हम ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसको डब्बे से बाहर निकाल दिया। ये भी देखिए इसका लुक, ये बहुत ही फाइन लुक है, बहुत ही नाइस लुक है इसका। देखने में बहुत सुंदर है ये। ये कंपेटेबल फॉर एनी कुकवेयर है, मतलब ये इस पर सारे बर्तन वर्क करेंगे। इसके अंदर 7 प्रीसेट्स मेनू है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 4 डिजिट LED डिस्प्ले है। अब मैं आपको ज़्यादा लेट ना करते हुए इसको यूज़ करके भी दिखाता हूँ। जितने ये बटन हैं, इनका जो यूज़ है मैं भी उसको दिखाऊंगा। ये जो है, ये फुल टच स्क्रीन होता है, मतलब आपको कल टच करना है इनके फंक्शन पे और ये वर्क करेंगे। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, इससे आपको ईजिली समझ में आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये 16 एम्पीयर का सॉकेट होता है और ये 2000 वाट का है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके लिए जो आप सॉकेट और स्विच यूज़ करेंगे वो भी 16 एम्पीयर का होना चाहिए। देखिए, मेरे किचन में 16 एम्पीयर का सॉकेट है, मैं इसमें ये इसे लगा रहा हूँ। यहाँ से लगाता हूँ और इसे ऑन करता हूँ। यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन करते देखिए बीप की आवाज़ आई और इसके अंदर करंट आने लगा। अब यहाँ देखिए ऑन ऑफ का बटन है। ये फंक्शन का है, ये अप है, डाउन है, टाइमर है, इलेक्ट्रिसिटी है और 7 कुकिंग ऑप्शन है। मैं सबको भी एक एक को सबको बारी बारी से यूज़ करके बताऊंगा आपको। पहले मुझे ऑन करना है इसको, ऑन पे टच करना है मुझे। देखिए, टच करते ही यहाँ पर देखिए ऑन लिख के आ गया। अब क्या करना है कि उसके बाद आपको ये फंक्शन बटन जो दिख रहा है इस पर टच करना है। ये फंक्शन बटन टच करने पर ये ऑल कुकिंग पर आ गया। जैसे इंडक्शन में होता है ऐसा कि जब तक आप इंडक्शन के ऊपर बर्तन नहीं रख रहे हैं वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन इस ये उससे ठीक उल्टा है। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये इंफ्रारेड जो है उससे ठीक उल्टा होता है इंडक्शन से। अगर आपने ऑन कर दिया तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप इस पर बर्तन नहीं भी रख रहे हैं तब पर भी सेरेमिक प्लेट ये हीट होगा। इसी तरह से कह सकते हैं कि ये एक हीटर ही है। इसके नीचे हीटर लगा है, ऊपर से इन्होंने इंडक्शन का एक फंक्शन दे रखा है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसका सबसे बेस्ट फायदा यही है कि इस पे सारे बर्तन, इसके ऊपर सारे बर्तन काम करते हैं। तो जैसे देखिए, मेरे पास एल्युमिनियम की ये कढ़ाई है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। और इंडक्शन पे क्या होता है कि उसके ऊपर स्टील के भी बर्तन काम करते हैं, लेकिन इसके ऊपर स्टील के साथ एल्युमिनियम और लोहे सारे बर्तन काम करेंगे। तो ये देखिए, एल्युमिनियम का मेरे पास कुकर भी है और ये जो है इंडक्शन कंपेटिबल, मतलब इंडक्शन वाला ही कुकर है, ये भी काम करेगा इसके ऊपर। और ये जो देख सकते हैं, ये भी इंडक्शन का ही बर्तन है, ये इंडक्शन का ही बर्तन है, ये भी इसके ऊपर काम करेगा। फिर ये स्टील का बर्तन है, इसे भी मैं आपको बारी बारी से सबको यूज करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं स्टील से ही स्टार्ट करता हूँ, स्टील के बर्तन से। ये देखिए, मैंने स्टील का ये फ्राई पैन है, इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया है, इसके अंदर पानी ले लिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ, फिर इसे यहाँ से ऑन करता हूँ। तो मैं इसके देखिए, ये तो काम करेगा क्योंकि ये स्टील तो इंडक्शन पे भी काम करता है, तो इसके ऊपर भी काम करेगा। तो देखिए यहाँ से अब मैं इसको ऑन करता हूँ। यहाँ से इस बटन को टच करना है आपको, कुछ करना है, इसको प्रेस नहीं करना होता, बस टच करना होता है। टच किया आपने, ऑन लिख के आ गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, फंक्शन, ये जो फंक्शन वाला बटन इस पर टच करना है। फंक्शन ये ऑल कुकिंग पे आ गया और ये 1600 वाट है। अब इससे क्या है, डाउन से टेम्परेचर कम कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम 200 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम इसे 2000 तक कर सकते हैं आप। जैसे देखिए, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, 2000 वाट का होता है, मैक्सिमम 2000 वाट तक कर सकते हैं। तो मैं इसे कम करके दिखाता हूँ आपको, 1000 वाट। तो देख रहे हैं आपको ये वर्क कर रहा है, आवाज़ आ रहा होगा आपको, सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑल कुकिंग पे आए हैं। अगर आपको फ्राई पे करना है या डोसा चपाती पे करना है, सूप पे करना है, वाटर पे करना है, मिल्क पे, टी पे करना है, तो आप यहाँ फंक्शन वाले बटन से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको टच करूँगा और यहाँ से ये देखिए इंडिकेटर
यहाँ से ऑल कुकिंग से अभी फ्राई पे चला जाएगा, ये देखिए गया। फिर आपको टच करना है, नेक्स्ट पे ले जाना है, डोसा पे चला गया, सूप पे चला गया, ये देखिए ऐसे ही चेंज हो रहा है। और जैसे ये चेंज हो रहा है उसी के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर इतना ले रहा है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ 2000 वाट तक कर देता हूँ, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ। अब आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैं इसको बर्तन उठाता हूँ, ये देखिए पूरा ये हीट हो गया है, आपको दिख रहा है भाई, ये पूरा एरिया हीट हो गया है। मतलब इसके नीचे जो है एक प्लेट है और ऊपर से सेरेमिक ग्लास लगा हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने इंडक्शन का फंक्शन दे रखा है। ये इंडक्शन की तरह नहीं है, अगर आप इस एरिया को टच करेंगे तो ये हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है। आपको देख रहे होंगे रेड कलर का ये जल रहा है नीचे, ये हीटर ही है। देखिए पानी ये गर्म हो गया है, टच करने पे लग रहा है। आपको भी बॉयल करके दिखाता हूँ, जब पानी उबलने लगेगा तब मैं दिखाता हूँ आपको। ये कि अभी पानी जो है बॉयल हो रखा है, बॉयल हो गया है, देख रहे हैं आप कि इसके अंदर बुलबुले आ गए हैं। अरे पानी बॉयल हो गया है। इसमें सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है कि ये पूरी तरह ये हीटर ही है, जो पत्थर वाला हीटर होता है उस टाइप का है ये। ये देखिए आपने पूरा लाल हो गया, लेकिन इंडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बस इसका एक फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर सारे बर्तन वर्क करते हैं। देखिए मैंने बर्तन हटा दिया फिर भी ये काम कर रहा है, लेकिन इंडक्शन पे ऐसा नहीं होता। अगर इंडक्शन पर से आपने बर्तन हटा दिया तो वो वहीं पे पॉज होता है, वहीं पर रुक जाता है, वो हीट नहीं करेगा। अब देखिए मैं इसके ऊपर एल्युमिनियम का बर्तन रखता हूँ, ये एल्युमिनियम की कढ़ाई है, इसके अंदर मैं पानी डालता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ इसे भी कि ये भी वर्क करेगा इसके ऊपर। ये देखिए मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई इसके ऊपर रख दिया है, और देखिए कि इसके अंदर मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है जिससे आपको दिखा सकूं कि ये वर्क कर रहा है। और ये देखिए थोड़ी देर में ये पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2000 वाट कर रखा है इसको। इसके साथ जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए ऑन ऑफ का बटन है, ये फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रीसेट्स मेनू है इस पर चेंज करने के लिए होता है फंक्शन से। अगर देखिए आपको फ्राई करना है तो इस फंक्शन से आप चेंज करके फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपने फ्राई भी किया तो उसके अनुकूल देखिए ये टेम्परेचर ले लिया। डोसा पर करना है फंक्शन से करिए, डोसा पर चला जाएगा। इस तरह आपको जिस पर करना हो फंक्शन बटन को टच करेंगे और यहाँ से चेंज होता जाएगा। अब से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होता है, डाउन से क्या है टेम्परेचर कम करने के लिए होता है, एक टाइमर से टाइमर सेट करने के लिए होता है। अगर आपको 1 मिनट का, 2 मिनट का, आधे घंटे का टाइमर जो भी सेट करना हो, जैसे यहाँ से टाइमर सेट कर दीजिए। टाइमर सेट करके आप दूसरा काम कर सकते हैं, टाइमर जैसे ही ये आपने 1 मिनट का सेट किया वो जैसे ही पूरा होगा अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसमें पानी जो है बॉयल होने लगा है, आप देख सकते हैं भाप निकल रहा है और इसके अंदर पानी के अंदर बुलबुले बन गए हैं, ये पानी बॉयल होने लगा है। मतलब ये एल्युमिनियम का बर्तन इसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये मुझे आपको दिखाना था कि देखिए एल्युमिनियम का बर्तन भी इसके ऊपर काम करता है। ये देखिए एल्युमिनियम का कुकर है, ये भी इसके ऊपर वर्क करेगा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर रख दिया और आप देख सकते हैं कि अब ये धीरे धीरे गर्म होने लगा है, धीरे धीरे गर्म होने लगा। मतलब ये एल्युमिनियम के बर्तन भी इसके ऊपर काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया कि स्टील के बर्तन भी काम करते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन भी काम करते हैं इसके ऊपर, और जो इंडक्शन के कंपेटिबल जो इंडक्शन के बर्तन होते हैं वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडक्शन के कंपेटिबल ये कुकर है, इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। ये देखिए ये भी वर्क कर रहा है, आपको दिखेगा। अभी मैं इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 2000 वाट कर दिया मैंने टेम्परेचर को। अब देखेंगे आप ये भी अभी पानी थोड़ी देर में उबलने लगेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें भाप निकलने लगा है और ये भी पानी उबलने लगा। मतलब इंफ्रारेड कुक टॉप के ऊपर सारे बर्तन काम करते हैं। जैसे इंडक्शन के ऊपर क्या होता है कि स्टील के बर्तन या जो इंडक्शन के अनुकूल, इंडक्शन के कंपेटिबल जो बर्तन होते हैं वही काम करते हैं, एल्युमिनियम के या तांबा के ये सब बर्तन वर्क नहीं करेंगे उसके ऊपर। लेकिन इंफ्रारेड कुक टॉप के ऊपर ये सारे बर्तन वर्क करेंगे, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। देख सकते हैं आप कितना ये हीट हो गया है, देख सकते हैं ये बाहर तक गर्मी आ रही है। ये जो है गर्मी आपको ये काफ़ी, मतलब जो पत्थर वाला हीटर होता है उस टाइप ये आँच दे रहा है, बाहर भी ये इसका आँच आ रहा है। आप यहाँ इसको बता तो नहीं सकता, वीडियो में दिखा नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूँ कितना आँच आ रहा होगा। आप भी देख सकते हैं कि ये पूरा रेड हो गया है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि इसका जो ये सेरेमिक ग्लास है ना, ये इसका जो सेरेमिक ग्लास है ये टूटने का डर रहता है।
इसके सिरेमिक ग्लास ये हीट इतना ज़्यादा होता है कि ये इसकी लाइफ जो है बहुत कम होती है। लेकिन जो बाल्ट्रा कंपनी का ये कुकटॉप है, इसके सिरेमिक ग्लास पे ही 1 ईयर का वारंटी होती है। देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है वारंटी 1 ईयर ऑन ग्लास। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को इंफ्रारेड कुकटॉप को यूज़ करके दिखाया, इंफ्रारेड कुकटॉप बहुत ही अच्छा है। अगर आपको सारा बर्तन यूज़ करना है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंडक्शन की तरह और भी बर्तन न खरीदना पड़े, जो मेरे घर पे बर्तन है वही सारे यूज उस पर वर्क करें, तो उसके लिए इंफ्रारेड कुकटॉप बहुत अच्छा है। लेकिन ये इंडक्शन की तरह सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं इसका ये वाला एरिया पूरा हीट हो गया है, ये पूरा सिरेमिक ग्लास हीट हो चुका है इसका। इस पे से अभी भी बंद करने के बाद भी इसके आँच आ रहे हैं बाहर, मतलब ये हीट है काफ़ी। और इंडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इसे कुछ नई जानकारी मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।